हरिओ मित्रों, आज का हिंदू पंचांग दिनांक 27 सितंबर 2022, आश्विन मास शुक्ल पक्ष मंगलवार, द्वितीया तिथि 28 सितंबर प्रातः 3:28 तक, तत्पश्चात तृतीया, चित्रा नक्षत्र 28 सितंबर सुबह 6:14 तक, तत्पश्चात स्वाति, ब्रह्म योग सुबह 6:44 तक, तत्पश्चात इंद्र, राहुकाल अपराहन 3:03 से 5:01 तक, सूर्योदय 6:30 पर एवं सूर्यास्त 6:31 पर, दिशाशूल उत्तर दिशा में, ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:54 से 5:42 तक, निशिता मुहूर्त रात्रि 12:07 से 12:55 तक, व्रत पर्व विवरण, पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू का 59वां आत्म साक्षात्कार दिवस। द्वितीया को ब्रहती यानी छोटा बैंगन या कटहरी खाना निषिद्ध है। ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मखंड। नवरात्रि 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक। शारदीय नवरात्र सफलता के लिए आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक शारदीय नवरात्रि पर्व होता है। यदि कोई पूरे नवरात्रि के उपवास व्रत ना कर सकता हो तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिन उपवास करके देवी की पूजा करने से वह संपूर्ण नवरात्रि के उपवास के फल को प्राप्त करता है। श्रीमद् देवी भागवत में आता है कि यह व्रत महासिद्धि देने वाला है, धन धान्य प्रदान करने वाला, सुख व संतान बढ़ाने वाला, आयु एवं आरोग्य वर्धक तथा स्वर्ग और मोक्ष तक देने में समर्थ है। यह व्रत शत्रुओं का दमन व बल की वृद्धि करने वाला है। महान से महान पापी भी यदि नवरात्रि व्रत कर ले तो संपूर्ण पापों से उसकी उद्धार हो जाता है। नवरात्रि का उत्तम जागरण वह है कि जिसमें शास्त्र ज्ञान की चर्चा हो, प्रज्वलित दीपक रखा हो, देवी का भक्ति भाव युक्त कीर्तन हो, वाट्य ताल सहित का सात्विक संगीत हो, मन में प्रसन्नता हो, सात्विक नृत्य हो, डिस्को या ऐसे दूसरे किसी नृत्य का आयोजन ना हो, सात्विक नृत्य कीर्तन के समय भी जगदम्बा माता के सामने दृष्टि स्थिर रखें, किसी को बुरी नज़र से ना देखें। नवरात्रि के दिनों में गरबे गाने की प्रथा है। पैर के तलुओं एवं हाथ की हथेलियों में शरीर की सभी नाड़ियों के केंद्र बिंदु हैं, जिन पर गरबे में दबाव पड़ने से एक्यूप्रेशर का लाभ मिल जाता है एवं शरीर में नई शक्ति स्फूर्ति जाग जाती है। नृत्य से प्राण अपान की गति सम होती है तो सुषुप्त शक्तियों को जागृत होने का अवसर मिलता है एवं गाने से हृदय में माँ के प्रति दिव्य भाव उमड़ता है। बहुत गाने से शक्ति क्षीण होती है। नवरात्रि में विद्यार्थी विशेष। नवरात्रि के प्रथम दिन विद्यार्थी अपनी पुस्तकों को ईशान कोण में रखकर पूजन करें और नवरात्रि के तीसरे तीन दिन विद्यार्थी सारस्वत मंत्र का जप करें। इससे उन्हें विद्या प्राप्ति में अपार सफलता मिलती है। बुद्धि व ज्ञान का विकास करना हो तो सूर्य देवता का भ्रू मध्य में ध्यान करें। जिनको गुरु मंत्र मिला है वे गुरु मंत्र का, गुरुदेव का, सूर्य नारायण का ध्यान करें। वेद व्यास जी देवी भागवत। जोड़ों में दर्द है तो जिन जोड़ों में दर्द है सुबह उन पर धूप लगे इस प्रकार धूप सेकें। 100 ग्राम अरंडी के तेल में 70 से 80 ग्राम लहसुन की कलियां कूट के डाल दें और तेल को गर्म करें। कलियां जल जाएं तो वह तेल उतार कर रख लें, उससे जोड़ों की मालिश करें। गर्म कपड़े पहने हल्के गर्म पानी की थैली से सेकाई करें। सुबह टहलना व्यायाम करना नियमित रूप से करें। 80 प्रकार के वायुदोष नाशक स्थल बस्ती सुबह खाली पेट नियमित करें। जोड़ों के दर्द में संधि शूल हर औषधि का प्रयोग बहुत लाभदायी है। यह गठिया, मधुमेह, साइटिका व मोटापे में भी लाभकारी है। 2 से 4 चुटकी रामबाण बूटी सुबह शाम खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लें। मालिश तेल को हल्का गुनगुना करके उससे दर्द की जगह पर हल्के हाथ से मालिश करें। 250 ग्राम मेथी दाना दरदरा यानी मोटे दानेदार कूट के रख लें। रात को 1 चम्मच भिगो के सुबह ले लें। बड़ी उम्र में कैल्शियम और लौह तत्व कम बन पाते हैं। मेथी में दोनों तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं। यह सटीक इलाज है। हरिओम।